हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी सिंह। कैसे हैं आप सब? और आज मैं आपको कबाब पराठा की रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं कबाब की। तो देखिए, मैंने चना की दाल ले ली है 1 कटोरी, और मैंने इसे अच्छे से भिगो दिया था 3-4 घंटे के लिए, अच्छे से भीग जाए। उसके बाद ही आपको अच्छे से धुल के ले लेना है। और मैंने 1.5 कटोरी सोयाबीन ली है, और एक कटा हुआ प्याज लिया है, अच्छे से चॉप कर लिया है, और 6-7-8 लहसुन की कलियाँ ली हैं। मैंने काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, बड़ी इलायची, एक आधा जायफल का टुकड़ा, एक अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा शाही ज़ीरा, खड़े गरम मसाले ले लिए हैं। और उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है और 3 चम्मच तेल डाल दिया है, और कुकर में 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके जो है बंद कर देंगे। 4 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। उसके बाद इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो अब हम लगा लेते हैं पराठे का आटा। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, 2 कटोरी मैदा लिया है, और उसके बाद 1 कटोरी दही में मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला के रख दिया था, उसे मैंने यहाँ पे डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तो 2 चम्मच तेल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इस आटे को हम लगाएंगे गर्म पानी के साथ। तो मैंने 1 कटोरी में गर्म पानी कर लिया है, और उसी से मैं इस आटे को सान लूँगी। और टाइट डो नहीं लगाना है आपको, बहुत अच्छा बहुत मुलायम डो लगाना है। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छे से सान लीजिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी लिया है, और इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। और आप इस वक्त बाहर का ना खा के जितना घर का हो सके उतना ही खाएं, घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा पानी करके यहाँ पे आटा लगा लिया है, और इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे लगभग 1 घंटे के करीब। थोड़ा सा तेल लेके इसको चिकना कर लेंगे। देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा तेल लेके और इसको डो को अच्छे से चिकना कर लिया है। उसके बाद ही देखिए मेरा मैदा चिकना हो गया है, ताकि अच्छे से जो है, देखिए मेरी मैंने दाल को पीस लिया है अच्छे से। 4 सीटी आने के बाद मैंने इसको उतार लिया था, और ठंडा, बिल्कुल ठंडा करके आप तभी मिक्सी में पीसिएगा, क्योंकि गरम दाल मिक्सी में मत पीसिएगा, नुकसान हो सकता है। इसलिए जो है ठंडा करके ही पीसिएगा। मैंने ठंडा करके इसको पीस लिया, और चुटकी भर मैंने अपने हाथों में खाने वाला कलर लिया है, ऑरेंज कलर है, आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा, बिल्कुल कलर लाने के लिए बस थोड़ा सा कलर मिक्स किया है, और देखिए आप इस तरीके से गोल गोल। तो मैंने देखिए फ्राई पैन चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा डाल दिया है थोड़ा सा तेल, और गोल गोल टिक्कियाँ बना के उनमें सेक लेना है हमको दोनों तरफ से। ये देखिए, तो मैंने गोल गोल टिक्की बना के, टिक्की का आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैंने देखिए टिक्की का शेप दे के इसको तल लेंगे दोनों तरफ से, अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे, हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे। इनको अच्छे से सेक लेना है। देखिए दोनों तरफ से कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। अब हम बना लेते हैं अपना पराठा। तो हम लेंगे 1 लोई इस तरीके से, ये देखो, और सूखे मैदे, और हमें सूखे मैदे से ही से बेलना है, और जितना महीन हो सके, जितना पतला हो सके उतना पतला बेलिएगा, क्योंकि पराठा मोटा अच्छा नहीं लगता है और पतला ही अच्छा लगता है। तो मैंने देखिए किस तरीके से बिल्कुल पतला पतला पराठा बेल लिया है, और मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई उल्टा करके। आप लोहे की भी तरह कढ़ाई ले सकते हैं, मैंने एल्युमिनियम की कढ़ाई ली है। तो उसको अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो फिर मैं इसको इस पर डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने पराठे को अच्छे से डाल दिया है।
ये देखिए अब जो है हम इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे अच्छे से। और मैंने देखिए तेल लगा लिया है एक साइड से, अब दूसरे साइड पलट के दूसरे साइड पे भी तेल लगा लेंगे। और मैंने कोई पोटली नहीं बनाई है, मैंने थोड़ा सा आटा लेके ही उसी से मैंने दाब दाब के इसको सेका है। आप चाहे तो कपड़े की पोटली बना के भी उसको सेक सकते हैं, जिस तरीके से मार्केट में सेकते हैं। मैंने एक आटे की छोटी सी लोई ली है, उसी से दबा दबा के सेक लिया है। ये देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से सेक लेना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन पराठा हो रहा है हमारा। तो इसी तरीके से एक एक करके सारे पराठे बना लेंगे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। यहाँ पे मेरा कबाब पराठा हो गया रेडी।